नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कुलदेवी की पूजा करने पौड़ी जनपद अपने स्थित पैतृक गांव घीड़ी पहुंचे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों पौड़ी दौरे पर हैं। अजीत अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव घीड़ी में हर साल 22 जून को आयोजित होने वाली कुलदेवी की वार्षिक पूजा में हिस्सा लेने पौड़ी पहुंचे हैं। बीती रात सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी धर्मपत्नी और अपने बड़े बेटे के साथ अपने पैतृक गांव घीड़ी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अजीत और उनके परिवार का 5 साल बाद गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अजीत डोभाल के पहुंचने पर पूरे गांव और पौड़ी शहर में खुशी की लहर है। अजीत और उनके परिवार ने आज सुबह कुलदेवी के दर्शन कर गांव की वार्षिक पूजा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अजीत वर्ष 2014 में भी 22 जून को ही वार्षिक पूजा में हिस्सा लेने अपने गांव घीड़ी पहुंचे थे। अजीत का मातृभूमि के प्रति लगाव उन्हें बार बार उनके गांव की तरफ, उनके क्षेत्र की तरफ खींच लाता है और उन लोगों के लिए भी एक गहरा संदेश है जो पहाड़ छोड़ बाहर बस गए हैं और मुड़कर अपने गांव की ओर नहीं देखते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालते अजीत उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी अपने गांव के प्रति, अपने लोगों के प्रति बहुत ही सजग और सरल रहते हैं और जो प्रवासियों को अनोखा संदेश भी देते हैं। अजीत कड़ी सुरक्षा के बीच अपने गाँव। अजीत डोभाल की खासियत ये है कि वो इतने उच्च पद पर रहने के बाद भी अपने क्षेत्र की जनता से, अपने लोगों से उन्हीं के तरीके से मिलते हैं, यानी उन्हीं की बोलचाल की भाषा यानी गढ़वाली भाषा में बातचीत करते हैं और मिलते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा भी अहम की भावना नजर नहीं आती, इसीलिए लोग, क्षेत्र की जनता उनको ज्यादा पसंद करती है। उनका जितना सीधा और सरल स्वभाव है उतना ही वो अपने काम के प्रति कड़क और सजग रहते हैं। जाने में बहुत अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा मुझे कि जिस जमीन में मेरा जन्म हुआ था वहाँ पर इतने सालों के बाद मैं फिर आया। और वैसे मैं बीच बीच में हमेशा आता रहता हूँ। आज एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम अपनी देवी की पूजा करते हैं। उस देवी की पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला और गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत ही अधिक संतोष का विषय था। नई पीढ़ी युवा को क्या संदेश देंगे आप अपने पैतृक गांव में आने के बाद? मैं ये कहूंगा कि इस धरती से बहुत योग्य और बहुत कर्मठ लोग पैदा हुए हैं, उनमें भी वो क्षमता है, उनमें भी वो पोटेंशियल है। उन लोगों को अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपने बुद्धि को, अपनी सारी समस्त शक्तियों को राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए उसके उत्थान और उसको महान बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इतनी मतलब हमारे कुल अध्यक्ष हैं, हमारे कई संगठन के पदाधिकारी आए हैं, एबीपी के खासकर, और श्रीमान अजीत डोभाल जी जो अपने पैतृक गांव में आए थे, आज बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हर्ष का विषय है। और हमारे देश के सुपर हीरो हमारे पास में, आज हमें उन्हें साथ साथ देखने का मौका मिला, हमें बहुत हर्ष का विषय हमारे है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, उन्होंने थोड़ा सा समय हमें दिया, बहुत ही हम सब लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। और वो अपने पैतृक गांव आए थे, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने हमें संदेश भी दिया कि युवाओं को केवल राष्ट्रभक्ति की भावना लेकर के नहीं चलना चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों को फोकस्ड अपने अपने एरियाज में काम करना चाहिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने बात करी। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि अपने जो भी क्षेत्र हम लोगों का है उसमें हम लोग फोकस्ड करें, तब ताकि हम लोग आगे बढ़ करके इस देश के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएँ। उनकी पूजा थी और आज प्रातः यहाँ से 7 बजे निकले थे, पूजा के उपरांत अभी सर्किटाओं से अभी निकले हैं। उनका कार्यक्रम, उनका अपना पारिवारिक कार्यक्रम था, अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था और कार्यक्रम करने के बाद अभी देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में कल शाम यानी कि 21 तारीख को भारत के सलाहकार अजीत डोभाल यहाँ पहुँचे और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 22 तारीख को अजीत डोभाल अपने पैतृक गांव में गए। उसके बाद वहां से उन्होंने अपनी कुलदेवी में पूजा प्रार्थना की। उसके बाद पुलिस प्रशासन और पूरे गांव वालों ने अजीत डोभाल का अपने जो रीति रिवाज होती है यहां उत्तराखंड की रीति रिवाज के साथ अपना सही ढंग से उनको बिल्कुल यहाँ से अपने देवी तक पहुँचाया और कुलदेवी के मंदिर में पहुँचाया। और TNN के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।